हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन चली गई होगी और मुझे इंतज़ार है कि आप लोग पहले जुड़ जाएं और आपके जुड़ने के बाद आज 81 नंबर क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। स्टार्ट आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन होगा। हम लोगों ने पिछले फोर्थ क्लास में 80 तक कंप्लीट कर लिया है। अब और सॉरी फॉर कि आज 8 बजे 8 बजे क्लास नहीं हो पाई और आज क्लासेस जो होगी वो 10 बजे यानी अभी हो गई। कुछ कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो जो लोग जुड़ गए हैं एक बार हाय लिख दीजिए, एक बार गुड इवनिंग या हाय लिख दीजिए। जो लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ गुड इवनिंग या हाय लिख दें। क्लासेस मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की क्लासेस जो है वो 10 बजे से होगी। जो क्लासेस 8 बजे चल रही थी किसी कारणवश मैं 8 बजे की क्लास आप लोगों के साथ नहीं ले पाया, लेकिन कोई बात नहीं है, अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जिन लोगों को वेरी गुड इवनिंग, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को क्लास करनी है वो लोग जुड़ जाएंगे, आप पेशेंस रखें, बिल्कुल वो लोग जुड़ जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक मैं 81 की पूजा, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है ए में, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूँगा तब तक लोग जुड़ जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। द रियल इम्पोर्टेंट थिंग, बी में कह रहा है ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड, हमारे जीव को पार्जन ही हमारा लाइवलीहुड है। करा विच डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंतर बतलाना, भेदभाव बताना, अस फ्रॉम एनिमल्स, हमारे जीवन जीने की शैली ही हमें जानवर से अलग करती है। हमारे जीवन जीने की जो शैली है वही हमें जानवरों की जीवन यानी जानवर से अलग करती है। हम में और जानवर में अंतर है कि हमारा जीवन जो है और जानवरों में अंतर होता है। तो क्वेश्चन ये आपका लिखा जा चुका है, मैं इंतज़ार में हूँ कि आप लोग जल्दी से जुड़ने का कोशिश करें। मेरे साथ बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। मैंने उस समय कमेंट पे ध्यान नहीं दिया था, नहीं तो मैं बता देता कि क्लासेस आज की जो टाइमिंग है, आज की टाइमिंग रखी गई है 10 बजे, किसी कारणवश लेट हो गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द आ जाएं, इंतज़ार है आप लोगों के। बिल्कुल उस समय थे बच्चे जुड़े हुए थे, लेकिन अभी किसी कारणवश वो लोग, बिल्कुल मेरा इंतज़ार है आप लोगों से कि आप लोग जल्द से जल्द आके जुड़ जाएं। दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बच्चे धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि द रियल इम्पोर्टेंट थिंग। यदि हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आता है, पहले हमारे सेंटेंस में आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव,
और एडजेक्टिव के बाद नाउन, ये हमारा सेंटेंस होगा यदि ऐसा मानना हो। यदि किसी वाक्य में आर्टिकल भी रहे, एडजेक्टिव भी रहे, एडवर्ब भी रहे। अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है? अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहां पर आर्टिकल पहले आएगा, तो देखिए आर्टिकल पहले आ गया है, इसके बाद एडवर्ब आएगा, तब एडजेक्टिव आएगा, तब नाउन आएगा। तो अभी हम आपको बता दें, रियल जो है ये एक एडजेक्टिव है, और रियली जो है ये एडवर्ब बन गया। क्योंकि एडजेक्टिव में जब हम एलवाई जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव में जब एडवाई जोड़ देते हैं, ये एडजेक्टिव है। और काइंडली यदि लिख दें, काइंडली यदि लिख दे, तो ये एडवर्ब हो गया। तो जो दिया गया वाक्य है इसमें आपका इम्पोर्टेंट जो है ये एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका नाउन हो गया, ये क्या हो गया आर्टिकल हो गया। तो अब बताइए कि यहां पर भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। यहां पर एडजेक्टिव के जगह क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। तो इस स्थिति से आप यहां पर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। तो इस स्थिति से आंसर आपका ए होगा, रियल के जगह रियली होगा, होगा क्योंकि एडजेक्टिव यानी इम्पोर्टेंट के पहले एडवर्ब यानी रियली का प्रयोग होगा, रियली का यूज होगा। आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आर्टिकल तब एडवर्ब तब एडजेक्टिव तब नाउन आता है। तो एडजेक्टिव के पहले हम यहां पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, जब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। इसलिए यहाँ पर रियल इम्पोर्टेंट के जगह पर रियली इम्पोर्टेंट, रियली स्मार्ट है ना, किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर रियल स्मार्ट। अब मान लो कि ऐसा और समझना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए यहाँ पर कि माधव इज रियल, माधव इज अ रियल स्मार्ट, अ स्मार्ट बॉय। अब ये सेंटेंस बताइए क्या सही है? माधव इज रियल स्मार्ट बॉय, क्या सेंटेंस सही है? यू आर रियल हीरो, यू आर रियली अ हीरो। तो यहां पर जो है एडजेक्टिव स्मार्ट है, बॉय नाउन है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब चाहिए, तो रियल के जगह पर रियली लगाएंगे कि माधव इज अ रियली स्मार्ट हीरो। माधव इज अ रियल बॉय से ही होता है, रियल हीरो सही होता है, लेकिन जब एडजेक्टिव आ गया है तो एडजेक्टिव के पहले हम एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगाएंगे तो रियल के जगह रियली हो जाएगा। बारिश तो दिल्ली में हो रही है, कहाँ घर है आपका निक्की? कहाँ घर है आपका जो बारिश हो रही है? अभी दिल्ली में बारिश हो रही, कोई दिक्कत है आगे बढ़े? यस और नो, कोई प्रॉब्लम है आगे बढ़ा जाए? यस और नो। अच्छा, सिवान में बारिश हो रही, आगे बढ़ा जाए? यस और नो। क्वेश्चन नंबर 82 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है ये सीखिए। तो याद रखना है एडजेक्टिव के पहले हम यहां पर एडवर्ब का यूज करेंगे।
एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे? एडवर्ब लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है ये देखिए। कह रहा है इफ यू हैड टोल्ड, इफ यू हैड टोल्ड मी, ए में फिर बी में कह रहा है यस्टरडे, आई वुड अरेंज्ड, आई वुड अरेंज्ड अ कार फॉर यू डी टू लीव फॉर न्यू दिल्ली। ये इससे पहले भी जो लोग क्लास किए होंगे, चार क्लास आज से पहले का जो एरर डिटेक्शन का किए होंगे, उनको ये बताए हैं, इसका ट्रिक और आंसर दोनों बताए थे। जो लोग क्लास चार दिन पहले किए होंगे उनको याद होगा, इसका सीधा सीधा हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि किसी वाक्य का शुरुआत इफ से हो, यहाँ भी टू रहे या वर रहे या हैड रहे, तब यहाँ इसके बाद हम वुड हैव, वुड प्लस भी वन लगाते हैं। सबसे पहले तो ऐसे ही आप पकड़ सकते हैं कि वुड के बाद कभी भी टू नहीं आता है। ये तो ऐसे भी बताए थे कि वुड के बाद भी वन आता, लेकिन फिर भी घबराइए नहीं, सीधे जानिए कि यदि दाहिने बाएं साइड में हैड प्लस भी थ्री हो तो दाहिने साइड में वुड हैव प्लस भी थ्री लगाते हैं, वुड हैव प्लस भी थ्री लगाते हैं। तो आप यहां देखिए इफ के साथ आया है हैड प्लस भी थ्री, इफ के साथ आ गया हैड प्लस भी थ्री, तो बाद वाला पार्ट में यहां पर देखिए वुड अरेंज नहीं होगा। कैसे भी वुड के बाद भी टू नहीं आता है, या तो वुड के बाद भी वन आता है या नहीं तो वुड हैव प्लस भी थ्री आता है। तो यहां पर ये सेंटेंस कौन सा फॉलो किया, एक को फॉलो किया या दो को फॉलो किया? अब आंसर क्या होगा देखिए ना, उसमें किसको फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। अच्छा एग्जांपल भी देंगे, घबराइए नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी में वुड अरेंज्ड के जगह वुड हैव अरेंज्ड हो जाएगा, वुड अरेंज के जगह क्या हो जाएगा, वुड हैव अरेंज्ड हो जाएगा। चलिए यहां पर आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो पहला नियम और दूसरा नियम के अनुसार तो आंसर तो क्लियर हो गया कि बी होगा, वुड अरेंज के बदले अरेंज्ड के जगह क्या हो जाएगा, कि जगह क्या हो जाएगा, वुड हैव अरेंज्ड, यहां पर वुड हैव अरेंज्ड हो जाएगा। तो एक और दो यदि आप लिख लिए हैं तो यहां पर हम दोनों का एग्जांपल दे देते हैं। वेरी गुड निक्की, अब एग्जांपल हम दोनों का दे देता हूं और आप देख लीजिए, एक और दो दोनों का एक एक एग्जांपल दे देता हूं। एक का एग्जांपल, एक में इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, वुड प्लस भी वन आ गया, कब, जब इधर वेयर आया। इसका दूसरा केस समझिए, दूसरा केस क्या कहता है, इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड, देखिए भी थ्री आ गया इंग्लिश, तो करा आई वुड हैव पास्ड एसएससी एग्जाम। यदि हम इंग्लिश पढ़े होते तो एसएससी एग्जाम पास कर जाते। तो यहां पर ये दोनों जो एक और दो लिखे थे ये नियम हो गया।
तो यहां नीचे पछता रहा है, नीचे वाला में क्या कर रहा है, पछतावा कि यदि हम पढ़े होते तब अंग्रेज है ना तो हम परीक्षा पास कर जाते। और यहां क्या है, कल्पना कर रहा है, ऊपर वाला में कल्पना कर रहा है, नीचे वाला में पछता रहा है। ऊपर वाला में कर रहा है यदि हम चिड़िया होते तो आकाश में उड़ते, कल्पना करेगा तो गुड प्लस भी वन, अब पछतावा होगा तो शुरू में हैड प्लस भी थ्री, बाद में वुड हैव प्लस भी थ्री लगाएंगे। आगे बढ़े यस और नो, आगे बढ़ा जाए यस और नो, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यानी कि सीधे तौर पर आपको याद रखना है, यानी कि सीधे तौर पर याद रखना है कि इफ वाला सेंटेंस में आपको सीधा याद रखना है, आपको सीधा याद रखना है इफ वाला सेंटेंस में यदि यदि वी टू आ जाए या वेयर आ जाए या हैड आ जाए और तब नाउन आ जाए, तब इसके बाद सीधे वुड प्लस वी वन लगाइएगा। ये ट्रिक ही मान लीजिए, वी वी आई ट्रिक। और यदि इफ वाला वाक में, यदि इफ वाला वाक में हैड प्लस वी थ्री इधर आए तब एकदम आंख बूंद के, आंख मूंद के यहाँ पर वुड हैव प्लस वी थ्री लगाना है। या आप इसको ट्रिक ही समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत वी वी आई है, ये बहुत ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम में तो खूब आता है, एकदम ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आता है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, बहुत ज़्यादा आता है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो जैसे ही आप देखिएगा वी टू तो इधर है वुड प्लस वी वन लगाइएगा, इधर हैड प्लस वी थ्री देखिएगा तो इधर वुड हैव प्लस वी थ्री लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका इंतजार कर रहा है 83 नंबर क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन जो है यदि आपको बनाने लगेंगे आप लोग और जान जाएंगे तो एसएससी का क्वेश्चन जो है एकदम हलवा लगने लगेगा, एकदम हल्का हल्का लगेगा, बहुत इजी है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका इंतजार में है और क्या कह रहा है सो समझिए। 83 ए में कह रहा है सी इज टू मच ब्यूटिफुल, सी इज टू मच ब्यूटिफुल। बी में कह रहा है सो मोस्ट ऑफ द बॉयज, वह इतना सुंदर है कि रन आफ्टर, उसके पीछे दौड़ता है, उसके पीछा करता है लड़का सब, हर एंड वांट टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब जानते क्या होता है, पटाना। करा वो इतनी सुंदर है, वो इतनी सुंदर है कि सब लड़का उसका पीछा करता है और उसको अट्रैक्ट करना चाहता है। इन्फ्लुएंस करना मतलब अट्रैक्ट करना, पटाना। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसमें आप बताइए क्या सही है क्या गलती। ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। टू मच का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, टू मच यहां होना नहीं चाहिए, टू मच का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। खरा वह इतनी वह बहुत सुंदर है इसलिए बहुत सारे लड़के उसका पीछा करता है और उसको अट्रैक्ट करना चाहता है। इसमें गलती खोजिए। हाँ, ये यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर ए। खैर रुकिएगा, हम रीजन बताएंगे। टू मच के जगह के बदले वेरी होगा। सीधे सीधे कह रहा है सी इज वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर है इसलिए उस लड़का लोग उसका पीछा करता है। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, इन्फ्लुएंस मतलब होता है अट्रैक्ट करना, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना,
आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर वर्ड, रन आफ्टर, वो सुंदर है इसलिए लड़का सब पीछा करता है। अब आपके दिल में क्वेश्चन तो आया होगा कि सर ये टू मच क्यों नहीं आया, ये वर्ड मीनिंग तो है, बिल्कुल है, यहां पर आते हैं तब बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रवि इज टू फैट टू डांस, करा रवि इतना मोटा है, रवि इतना मोटा है कि नाच नहीं सकता। अब यहां पर देखिए क्या है सेंस, ये वाला जो टू लगल है ना, ये टू तब होता जब केस के साथ टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव के साथ इधर टू प्लस भी वन रहता। एक और होता है सो प्लस एडजेक्टिव, और तब यहां पर दैट लगा होता है। तो ना तो ये वाला रूल है ना ये वाला रूल है, यहां सीधा सीधा वाक्य है कि सी इज वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर है इसलिए लड़का सब पीछा करता है और उसको पटाना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इन्फ्लुएंस मतलब अट्रैक्ट करना, पटाना। तो यहां पर आपका आंसर टू मच के जगह वेरी हो जाएगा। टू मच तब सही होता है जब इसके साथ टू प्लस भी वन आता। खैर एक और इसी का सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसी को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। वीडियो पीछे तो नहीं हो गया है, इज एवरीथिंग ओके? एक सेंटेंस यहां पर आप ये भी लिख सकते थे कि रवि इज सो फैट दैट ही कांट डांस, रवि इतना मोटा है कि नाच नहीं सकता। तो या तो ये सही हो सकता था या ये सही हो सकता था, लेकिन यहां पर ये सेंस नहीं है। यहां सीधा सीधा याद रखना है, टू मच के जगह आपको किसका प्रयोग करना है, वेरी का प्रयोग करना है। टू मच के जगह वेरी का प्रयोग करना है। टू मच मतलब तो बहुत ज्यादा, अत्यधिक, तो अत्यधिक सुंदर का यहां सेंस नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, यस और नो, आगे बढ़े 84 में चले, यस और नो, यस और नो 84। अगला क्वेश्चन देखिए 84 में क्या कहता है। ए में कहता है तेंदुलकर इज द बेस्ट, तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन। ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेज कंसंट्रेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत प्यारा सा है। आप लोग जरा सा दिमाग पर जोर दे के देखिए, आप आंसर दे सकेंगे। जरा सा दिमाग पर जोर दीजिए, आप आंसर तब आराम से दे पाओगे। जरा सा देखिए दिमाग पे जोर दीजिए, क्या कह रहा है, बेस्ट करा है, तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल बैट्समैन। देखो
अदर का प्रयोग कब करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में? अदर का प्रयोग कब करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री में? जैसे यहां पर शुक्र सुपरलेटिव डिग्री में है, कंपेरेटिव में होता है, कंपेरेटिव में होता है अदर का प्रयोग, कि ही इज बेटर देन देन अदर डांसर्स, करा अन्य डांसर से अच्छा है। तो ये कंपेरेटिव डिग्री में जब होगा तो याद रखना है बी में कि अदर का प्रयोग नहीं होगा, अदर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि क्योंकि अदर का यूज कंपेरेटिव डिग्री में होता है, डिग्री में होता है। और ये वाक सुपरलेटिव डिग्री में है, ये वाक किस में है सुपरलेटिव डिग्री में है, करा ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द डांसर्स ऑफ पटना। सीधे सीधे करा है कि पटना के अन्य डांसर से अच्छा है, तो सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं करना है, किसमें करना है कंपेरेटिव डिग्री में। जब कंपेरेटिव डिग्री होगा, जब कंपेरेटिव डिग्री होगा तब आप अदर का प्रयोग कर सकते, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है इसमें हम अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ें, यस और नो, आगे बढ़ा जाए। कंपेरेटिव डिग्री में अदर लगता है, जैसे ये वाला में देखिए, करा ही इज बेटर देन अदर डांसर, ये अन्य डांसर से ज्यादा अच्छा है, सही है। कंपेरेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं होगा, सीधे होगा बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा में कंपेरिजन के लिए अदर वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। लेट सी 85 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 में आप देख सकते हो ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है और आपको क्या कह रहा है ये देखिए। बिल्कुल आप लोग बस रेगुलर रहोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से सीखोगे। कह रहा है द टीचर पॉइंटेड आउट, द टीचर पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट द, बी में कह रहा है स्टूडेंट्स दैट दे माइट, सी में कह रहा है लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास, डी में कह रहा है कालिदास बिकॉज, क्योंकि कालिदास इज, बहुत लंबा खींच दिया है लेकिन आंसर बहुत आसान है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, शेक्सपियर हैं। और लास्ट में करा नो एरर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए और समझिए। देखो जब तक रेगुलर वे में क्लास रुकेंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ भाई ऐसे हैं जो आते हैं बस एक मिनट रहते हैं, जब तक क्वेश्चन लिखते रहते हैं तब तक वो भाग जाते हैं और कहेंगे कि सर हमसे नहीं बनता है, हम सीख नहीं पा रहे। सीखने के लिए टाइम देना होता है, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे सीखने का तभी सीख पाएंगे, ऐसे कोई जादू की झप्पी नहीं है जो आपको कुछ सिखा दे।
ट्रिक की बात करें तो हम यहाँ पर ट्रिक आपको दे सकते हैं, पॉइंट आउट टू समवन, पॉइंट आउट टू द समवन। आपके पास ट्रिक भी दे दिया गया है, पॉइंट आउट के बाद प्रीपोजिशन के रूप में टू समवन। पॉइंट आउट का मतलब कह रहा, टीचर पॉइंट आउट द स्टूडेंट टू द स्टूडेंट्स दैट दे माइट लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास। आपके पास ट्रिक दिया हुआ है, पॉइंट आउट के साथ टू लगता है, आपको आंसर बताना है। पॉइंट आउट के साथ टू लगता है, आपको आंसर बताना है। आप बिल्कुल सोचने का क्या, आप बनाना चाहेंगे तो आपसे बनेगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो बन जाता है। आप जोर लगाएंगे, आप सीखना चाहेंगे, आप बनाना चाहेंगे तो आपसे बनेगा, नहीं चाहेंगे तो भाई आपसे कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं चाहेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी क्या औकात कि हम आपको सिखा दें। आप जब तक सीखना नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता है, दुनिया का कोई आदमी नहीं। इसलिए आप खुद से, हमने अभी अभी कहा है पॉइंट आउट के बाद टू लगेगा, पॉइंट आउट के बाद टू का प्रयोग होगा। और आंसर बताइए, आंसर का इंतजार है, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? अरे भाई जिंदा हो, आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हाँ, पॉइंट आउट टू अब सही है। ए में क्या है, क्या आंसर हो जाएगा? पॉइंट आउट टू द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स। यानी पॉइंट आउट टू समवन, पॉइंट आउट टू समवन, किसी को पॉइंट आउट करना, किसी के बारे में कहना कि ये लोग सीख सकेंगे कालिदास के जीवनी से, क्योंकि कालिदास भी कोई सामान्य आदमी नहीं थे। कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर कहलाते थे। तो पॉइंट आउट टू समवन होता है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। आगे बढ़े 86 में। लगता है पांच लोगों में केवल एक लोग, दो लोग बस कमेंट कर रहे हैं। पूजा और निक्की के अलावा कोई और आंसर ही नहीं दे रहा है। लड़कों को क्या हो गया है? चलिए, एट्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मदर आस्क्ड, माँ ने पूछी, मदर आस्क्ड हर, माँ पूछी, माँ ने उससे पूछी, मदर आस्क्ड हर, बी में किससे? सन से, अपने बेटा से पूछा। If he had studied, सी में कह रहा है when she went, डी में कह रहा है shopping yesterday, एक माँ ने अपने बेटा से पूछा कि क्या तुमने पढ़ाई किया था जब मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने, जब मैं मार्केट शॉपिंग करने गई थी क्या तुमने पढ़ाई किया था, क्या तुमने पढ़ाई किया था? बिल्कुल सही लग रहा है, ध्यान से देखिए, सब पास्ट टेंस में है, बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ा जाए, पहले आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे आंसर हो जाएगा ई, नो एरर, सीधा सीधा सही है, क्योंकि पास्ट टेंस में है कि एक मदर आस्क्ड हर सन, अपने बेटा से पूछा कि इफ ही हैड स्टडीड, वो पढ़ाई किया था, व्हेन सी वेंट, जब उसकी माँ चली गई थी कहाँ, शॉपिंग पे यस्टरडे, जब कल शॉपिंग पे गई थी तो पढ़ाई किया था। ये आंसर नो एरर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एट्टी सेवन ए में कहता है, व्हेन एवर इज द मैटर, कुछ भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, हमें क्या लेना। बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी कि कोई भी मैटर हो हमें क्या लेना। क्राई सेल डू दिस वर्क, सी में, बिकॉज आई हैव टू एक्सपोज मतलब होता है राज बतलाना, सबको बतला देना कोई चीज के बारे में। वॉकिंग कैपेसिटी एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। और लास्ट में कह रहा है नो एरर, कर आप बताइए क्या होगा आंसर। यदि ट्रिक की बात करें तो आपको हम ट्रिक यहां दे देते हैं। व्हेन एवर का मतलब होता है जो भी हो, जब कभी भी या जब भी, और व्हाट एवर मतलब होता है जो भी हो या जो कुछ। अब आपको बताना है कि व्हेन एवर होगा या व्हाट एवर होगा। कहते हैं व्हाट एवर, जो भी हो हम देख लेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं जब भी हो देख लेंगे। तो व्हेन एवर के जगह क्या यूज होना चाहिए। आंसर बताइए। यहां सीधा है, वेरी गुड पूजा, कि व्हेन एवर इज द मैटर नहीं, यहां क्या कर रहा है, जो भी मैटर हो तो जो भी मैटर हो के लिए हम लोग व्हेन एवर के जगह पर क्या लिखेंगे। आंसर ए, व्हेन एवर के बदले व्हाट एवर होगा, जिसका अर्थ होता है जो भी हो, जो भी मैटर हो देख लेंगे, जो भी मैटर हो देख लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि व्हेन एवर, व्हेन एवर मतलब जब कभी भी, तो मैटर का सेंस में यहां व्हाट एवर यूज करेंगे व्हेन एवर के जगह पर। यहां पर व्हाट एवर यूज करेंगे व्हेन एवर के जगह पर। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिल्कुल धैर्य रख के यदि आप लोग सीखना चाहेंगे ना तो बिल्कुल सीखेंगे। एट्टी एट नंबर देखिए क्या कहता है। ए में कह रहा है और नंबर ऑफ, इसके बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल आएगा, बॉयज आर, तो बिल्कुल सही है एक पार्ट में। बी में कह रहा है रीडिंग दिस नॉवेल, रीडिंग दिस नॉवेल। सी में कह रहा है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट
इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल्स ऑफ इंडिया। अब यहां पर नहीं, सही है, वहां पर और नंबर ऑफ के बाद नाउन वर्ब दोनों प्लुरल आता है, इसलिए वो सही है। यहां द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर एकदम से ई हो जाएगा, नो एरर। क्यों होगा ये बता देते हैं, यहां ट्रिक के तौर पे हम कह देते हैं। देखिए, और नंबर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आपका नो एरर हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आता है, और ऑन नंबर ऑफ के बाद जो है नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल आता है, तो इसलिए 88 का आंसर नो एरर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 89 आप देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है ए में, आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता, बी में कह रहा है क्योंकि क्योंकि ही मेक्स मेक्स कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र होता है कंस्पिरेसी, मतलब सी में कह रहा है एंगेस्ट एंगेस्ट मी विद द व्यू टू, डी में कह रहा है इनहेंसिंग इनहेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, और ई में कह रहा है नो एरर। तो इसमें आपको सीधे सीधे ट्रिक के तौर पे आप जानिए, एक मुहावरेदार शब्द है विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एकस्टम्ड टू, accustomed to, accustomed to, habituated to, habituated to, ये सब ट्रिक के तौर पे आप जान लीजिए। तो with of you to होता है, with of you to होता है, with the you to नहीं होता है। आंसर देखिए, डी नहीं होगा यहां पर, आप ध्यान से देखिए। और इसके बाद जानते क्या आता है, बी फोर आता है, ये बात भी याद रखना है, सही है। तो ये तो टू के बाद बी फोर आया, यहां कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, यहां पर है। आंसर क्या होगा, विद अ व्यू टू प्लस बी फोर होगा, विथ द व्यू टू नहीं होता है, विथ अ व्यू टू होता है, के उद्देश्य से, विद अ व्यू टू इनहेंसिंग हिज पावर, विथ अ व्यू टू होता है, द व्यू टू नहीं, विद अ व्यू टू होता है, द व्यू टू नहीं, ये याद रखना है, अ व्यू टू होता है, द व्यू टू नहीं होता है। अच्छा, अभी जो लोग क्लास ठीक से किए होंगे वो 90 नंबर का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि थोड़े देर पहले हमने 90 नंबर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएगा इसका ट्रिक का डिस्कशन हुआ था। जो लोग अभी क्लास रेगुलर शुरू से अभी तक कर रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम
नहीं हो सकता है। 90 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है ए में कि सी इज सो लेजी, सी इज सो लेजी एज, बी में कह रहा है सी कैन नॉट, सी कैन नॉट डू दिस वर्क। अभी वाला का अभी सेंटेंस थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल दिए थे, वह इतना मोटा है, वह इतना मोटा है कि नाच नहीं सकता, याद होगा यदि वाला सेंटेंस तो आप अभी इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना पाएंगे। थोड़े ही देर पहले हमने चर्चा किया था आपसे इस क्वेश्चन के नियम के बारे में, अस इन आवर स्कीम, आवर स्कीम, और इसमें लिख रहा है नो एरर। आपसे पूछ रहा है भैया आंसर बताओ जरा, थोड़ा देर पहले हमने ट्रिक बताया था आपसे, तो सो के साथ दैट लगता है, यहां देख लो सो के साथ दैट लगता है, बिल्कुल पूजा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पर इस सो के जगह पर क्या लगेगा, दैट लगेगा, एज के बदले दैट होगा, क्योंकि सो जो है अपने साथ दैट लेता है, क्योंकि सो के साथ दैट का यूज होता है, बिल्कुल सही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़े 91 में आगे बढ़ा जाए, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है मुझे विश्वास है, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि, बी में कह रहा है नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी में कह रहा है will be coming to Bombay, you will bring my book। मुझे विश्वास है कि जब तुम अगले बार मुंबई आओगी तो मेरा बुक लेते आओगी, तो मेरा बुक लेते आओगी, मुझे विश्वास है कि मेरा बुक तुम लेते आओगी जब कभी भी मुंबई आओगी। भैया जिस वाक्य में भी लगा रहता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, टुमोरो, तो उसमें हम सीधे आंख मुन के शैल विल प्लस भी मन लगाते हैं, बिलवी सैलवी नहीं आता है, सीधे सीधे आंसर यहां पर आपको देना है कि when you will come to Mumbai, you will bring my book। जब तुम मुंबई आओगे तब मेरा बुक लेके आओगे, जब तुम बम्बई आओगे तो मेरा बुक लेके आओगे। फ्यूचर सिंपल में हम
बिल भी कमिंग नहीं लगाते हैं, बिल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल कम हो जाएगा। आगे बढ़े, नाइन्टी टू देखिए, नाइन्टी टू से पहले एक का सेंटेंस दिखाते हैं आपको। इन दी लास्ट ईयर आई मेट भारती सर, इन पटना, और लास्ट ईयर आई मेट भारती सर, पिछले साल मैं पटना में भारती सर से मिला। अब बताइए कौन सेंटेंस सही है कौन गलत है। पिछले साल मैं भारती सर से मिला, इसमें कौन सही है कौन गलत है। पिछले साल मैं भारती सर से मिला, पिछले साल मैं भारती सर से पटना में मिला। अब इसका अंग्रेजी दोनों में से कौन सही है, ऊपर वाला में से ए सही है या बी सही है, ए बी क्या सही है बोलिए। हाँ पूजा बिल्कुल सही है, इन का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इन द का प्रयोग नहीं होगा, सीधे लिखेंगे लास्ट ईयर आई मेट, तो ठीक है बिल्कुल सही है, बी सही है, ये गलत है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं 92 नंबर, अब आप बना सकते हैं, यदि इतना कॉन्फिडेंस है, इतना जान गए तो आप 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए, या आप चुटकियों में बना सकते हैं एकदम, एक चुटकी जो है टाइम ही नहीं लगेगा। अब कह रहा है इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक, ए एक बी में कह रहा है आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट, लेकिन वो लेट आता है एवरी डे, एवरी डे। और लास्ट में कह रहा है नो एरर, अब आपसे पूछ रहा है गलती बताइए, इसलिए हिंदी बताए थे कि आप आंसर दे सको। अब आप देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहां पर आप देख लीजिए आंसर आपका होगा ए, इन द का प्रयोग नहीं होगा, इन द का प्रयोग नहीं होगा, यूज नहीं होगा, सीधे कहेंगे लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे, पिछले सप्ताह हम उसको बोले समय पे आने, लेकिन अभी भी वो देर से आता है प्रतिदिन। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ए में सिंस आई मीट, बी में कह रहा है दिनेश लास्ट सैटरडे, सी में कह रहा है ही हैज बीन कॉन्टेक्टिंग मी एवरी डे ऑन फोन, जब से मुझसे मिले हैं वो प्रतिदिन हमें फोन पर कॉन्टेक्ट करता है। अब आंसर आपको बताना है क्या होगा आंसर। यहाँ पे आंसर आपको बताना है आंसर, और यहाँ पर ट्रिक दे रहे हैं। देखिए ट्रिक है कि यदि सिंस के बाद जो है भी टू हो, इस बात का पता कब चलेगा, जब इधर हैज हैव प्लस वी थ्री हो। तो यहाँ पर जो ये हैज बीन आया है, ये हैज बीन से पता चल रहा है कि यहाँ पर मीट नहीं, सिंस के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, मेट लिखेंगे। सिंस के बाद हम मीट नहीं लिखेंगे, हमें वी टू चाहिए। तो आंसर लिखेंगे ए, मीट के बदले मेट होगा, क्योंकि सिंस के बाद पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस के बाद पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फाइनली हम लोग 94 पे पहुंच गए हैं। आज 6 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा 100 पूरा हो जाएगा। आज 5वां क्लास है, हम लोग 20 क्वेश्चन का एवरेज लेके चले हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका ट्रिक कॉन्सेप्ट जैसे देखना चाहते हैं ऐसे भी कह सकते हैं। सी हैज, अभी तक बारिश हो ही रही है, पटना में तो नहीं हो रही है बारिश? हाँ, दिल्ली में बारिश हो रही है अभी फिलहाल, बहुत तेज। नहा लीजिए, अभी मत नहाइए बाबू आप लोग, बहुत खराब समय चल रहा है। अच्छे से रहिए, फीवर उवर लगने पर दिक्कत हो जाएगा। करा है नितिन्स नेफ्यू हु लिव्स इन बेंगलोर, जो बेंगलोर में रहता है, बेंगलोर इज ईगर टू, बाबू ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, टू ट्रेवल टू, यात्रा करना चाहता है दिल्ली इन द विंटर टू हैव अ ग्लिम्पसेस। बहुत अच्छा है और थोड़ा टफ जैसा लग रहा है, लेकिन भारी नहीं है, ध्यान से देखिए। ग्लिम्पसेस ऑफ द कैपिटल, क्योंकि राजधानी का झलक देखना चाहता है, क्योंकि वो राजधानी का झलक देखना चाहता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। नितिन्स नेफ्यू जो बेंगलोर में रहता है इज एगर टू ट्रेवल, बड़ा उत्सुक है दिल्ली जाने को विंटर में, ठंडा में, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल, कहाँ के जगह देखने के लिए, एक झलक ठंडी महीने में दिल्ली की एक झलक देखने को उत्सुक है। तो ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, इसमें सीधे आंसर लिख देंगे, नो एरर होगा। ये वाक्य देखिए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, इसलिए हमारा आंसर नो एरर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, यस और नो।
आगे बढ़ा जाए। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। देखो रेगुलर वे में यदि आप प्रैक्टिस में रहोगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। ए में कह रहा है ऑल इंडिविजुअल आर, तो ए तो सही जैसा लग रहा है। बी में कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम फ्रॉम, डी में कह रहा है ऑन एनोदर। कह रहा है सब अलग अलग है इसलिए एक दूसरे का टेस्ट जो है वेरी कर रहा है। अब यहां पर आपको आंसर देना है और यहां पर ट्रिक है, या तो लिखा जाता है एनोदर नहीं एनोदर्स, क्या लिखा जाएगा एनोदर्स, एक दूसरे को, जब एक से ज्यादा हो तब एक वन एनोदर्स होगा, ऑन एनोदर्स नहीं वन एनोदर्स, वन एनोदर्स एक दूसरे का, एक दूसरे का टेस्ट वेरी करता है। और जब दो आदमी रहता तो ईच अदर होता, ईच अदर्स एक दूसरे का। तो यहां है दो आदमी के बीच, दो के लिए आता है वन ईच अदर, और दो से जैसे ही ज्यादा होगा तो वन एनोदर्स हो जाता है। तो यहां वन एनोदर नहीं, क्या होगा वन एनोदर्स होगा, एनोदर में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जिसका मतलब होता है करा यहां पर वन एनोदर्स होगा। वन एनोदर्स का मतलब है एक दूसरे का, एक दूसरे का जो टेस्ट है स्वाद है वो वेरी करता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, बस चार क्वेश्चन और, घबराइए नहीं चार क्वेश्चन और। निक्की पूजा एक दूसरे को लगता है जानती हो क्या, आपस में कमेंट कमेंट कर रही हो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? ए में कह रहा है द ग्रेट एक्टर वॉज। बी में कह रहा है एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल। और ई में है नो एरर। इसका भी ट्रिक देखिए मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर आपको ट्रिक क्या कहता है ये देखिए, एंग्री जो है ना ये दोनों लेता है, विथ वी एंग्री एट और एंग्री विथ भी लेता है। तो आदमी से जब गुस्सा होता ना, आदमी से जब गुस्सा होता तो एंग्री विद, और कोई चीज के कारण समथिंग पर या बिहेवियर पर जब गुस्सा होंगे तो एंग्री एट लगाते हैं। तो अब यहां पर देखिए एंग्री एट होगा या एंग्री विथ होगा, तो यहां पर लिखेंगे आंसर एंग्री एट के जगह एंग्री विद के जगह,
बदले एंग्री एट होगा, क्योंकि आदमी से गुस्सा होता तब लगाते एंग्री विद, एंग्री एट कब लगाते हैं, ट्रीट अच्छा नहीं किया इसलिए एंग्री एट लगाएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस और तीन क्वेश्चन बच रहा है, तीन क्वेश्चन और बच रहा है, तो व्यक्ति से गुस्सा होगा तो एंग्री विद लगाएंगे, और आदमी के व्यवहार पर या कोई कारण बस गुस्सा होगा तब हम एट लगाते हैं। यहां पर एंग्री एट होगा विथ के जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 बस करीब आ चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा और क्वेश्चन है। दिस बुक इज, बी में कह रहा है डिजाइंड, कह रहा दिस बुक इज डिजाइंड टू इंक्रीज, इंक्रीज सी में कह रहा है द वर्किंग, द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पोकन, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, और लास्ट में कह रहा है नो एरर, नो एरर। अब आपसे पूछ रहा है इसमें एरर फाइंड आउट करके बताइए कि दिस बुक इज डिजाइंड, यानी पैसिव वॉइस में टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, तो यहां पर आप सीधे तौर पर लिखेंगे नो एरर, क्योंकि दिस बुक इज डिजाइंड, तो इज आर एम के बाद भी थ्री लगता है पैसिव वॉइस में, और डिजाइन के साथ टू लगता है, ये भी सही है, इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, तो ये स्पोकन और रिटन पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है इंग्लिश के लिए, इसलिए यहां सीधे सीधे लिख दीजिए नो एरर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या कह रहा है, टू मोर क्वेश्चन, अब दो क्वेश्चन और बच रहा है। नाइन्टी एट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए में कह रहा है डोंट गो बाय हिज अपियरेंस, कह रहा उसका दिखावा पर मत जाइए, अपियरेंस का मतलब होता है ऊपरी दिखावा, कह रहा उसके दिखावा पर मत जाइए, अपियरेंस का मतलब ऊपरी दिखावा, ही इज कैपेबल, कैपेबल एट सी में डूइंग एनी वर्क, डी में विदाउट एनी, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन का वो कोई भी काम को कर सकता है। यदि हम आपको ट्रिक की बात करें तो आपका ट्रिक है कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग, कैपेबल के बाद ऑफ लगता है, ऑफ के बाद भी फोर लगता है, तो देखिए कैपेबल अभी फोर आ गया, तो यानी एट के जगह पर क्या होना चाहिए, बी में लिखेंगे एट के बदले क्या होगा, ऑफ होगा, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि कैपेबल के साथ ना ऑफ लगता है, कैपेबल के साथ क्या लगता है, ऑफ का प्रयोग होता है, यानी एट के जगह पर ऑफ कर देंगे। बस एक और क्वेश्चन इसके बाद बचेगा, बिल्कुल सही है, एट के जगह ऑफ का यूज करना है। चलिए 99, कैपेबल ऑफ लेता है, कोई चीज करने में सक्षम होना, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए में कह रहा है जयंत, जयंत टोल्ड मी
जयंत टोल्ड मी, जयंत ने मुझसे कहा दैट में कि दैट मिहिर एक्सपेक्ट सी एवरी फ्रेंड टू मीट हिम। जयंत एक्सपेक्ट करता है कि वो उससे प्रत्येक मित्र मिले, वंस अ वीक, कम से कम सप्ताह में एक बार मिले। और डी में कह रहा है नो एरर। अब वाक्य को ध्यान से देखिए, वाक्य पास्ट टेंस में है, वाक्य किस में है, पास्ट टेंस में है। तो आप आंसर बताइए क्या होगा, वी टू होगा। आंसर यहां पर सीधे सीधे लिखिए बी। यहां देखिए पास्ट टेंस में होगा, एक्सपेक्ट के बदले एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि वाक्य पास्ट में है। या और डीप में जाएंगे तो इतना जानेंगे क्योंकि मेन क्लाउज जो है यहां पर नरेशन जब आप पढ़े होंगे तो मेन क्लाउज जब सिंपल पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो वी वन होता है वो वी टू में बदल जाता है। तो नरेशन में भी आपको पढ़े होंगे ये चीजें, यदि डिटेल से नहीं है तो बेसिक जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट वन क्वेश्चन हम लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आप लोगों का। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए में आर यू अवेयर, क्या तुम जागरूक हो, दैट। बी में कह रहा है बाय मेकिंग मी अवेटिंग। सी में कह रहा है फोर अ लॉन्ग टाइम। डी में कह रहा है माय शेड्यूल इज गेटिंग अपसेट। सबसे बड़ा ट्रिक तो यहां पर यह है, यदि आप पूरा 100 क्वेश्चन किए होंगे तो ट्रिक नंबर एक बात बताए थे कि वेट 4 बराबर होता है अवेट। हमने आपको बताया था कि अवेट के साथ ना कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अवेट के साथ यदि आप प्रीपोजिशन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अवेट के साथ कोनो प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ऐसे बाद में भी एक गलती है लेकिन उसके पहले आपको ये सही करना होगा। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, यहां पर आंसर होगा सी, 4 का यूज नहीं होगा, 4 का यूज नहीं होगा क्योंकि बेट के साथ 4 आता है और वेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन
नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस क्लास। जो लोग रेगुलर वे में रहेंगे उसे एक न एक दिन एक अपने आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस फॉर आवर वीडियो एंड दिस क्लास सेशन थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ स्वीट ड्रीम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।